भाई हमारे घर में तो यह मेथी वाला चिकन सभी को बहुत पसंद आया। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके लिए होटल और ढाबे में मिलने वाले मेथी वाले चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आंच पर चढ़ा दिया है प्रेशर कुकर, इसमें डाल दिया है कुकिंग ऑयल, साथ में डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसी के साथ मैंने एक बाउल के करीबन पिसी हुई मेथी ली है, वो भी डाल दिए। इसे हम भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची जिसे पीस लिया था मैंने। अब ले लेंगे मसाले। मसालों में लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और चिकन मसाला पाउडर। साथ ही इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो ये हमारे मसाले जो तैयार हो गए हैं। अब यहाँ हम एक बार ग्रेवी को देख लेते हैं। देखिए हल्का सा तल लग रहा है, ये मसाला हमारा भुन चुका है और इसमें अब हम जो है मसाले हमने जो मिक्स करके रखे हैं वो ऐड कर लेंगे। साथ ही डाल देंगे घर की मलाई, आप इसकी जगह पे क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। इसे हम जल्दी जल्दी चलाते हुए मिक्स कर लेंगे जिससे कि हमारी मलाई फटे नहीं। अब उसके बाद हम डाल देंगे चिकन के पीसेस जिसे कि मैंने धो के क्लीन करके पहले से ही रख दिया था। अब इसको डालकर हम भून लेंगे क्योंकि चिकन खुद का भी पानी छोड़ता है तो हमें लगातार इसे भूनते रहना है जिससे कि इसमें तल ना लगे। चिकन काफी हद तक भून चुका है और इसका पानी सूख चुका है, तब इसमें हम एक्स्ट्रा पानी डाल देंगे। अब इसे हम कुकर का ढक्कन लगाकर 4 से 5 विसल आने तक पकने के लिए रख देंगे। 4 विसल लगाने के बाद मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है। ये देखिए दिखने में इसकी रंगत से आपको पता चल रहा होगा कि हमारा चिकन किस तरह से बना है, इतना यमी और टेस्टी दिखने में ही लग रहा है। इसे आप रोटी, चावल, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आपको यह भुनी हुई मेथी के चिकन की रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर जल्दी मिलेंगे एक नए रेसिपी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।